गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। हम देवघर झारखंड से आए हैं। गुरु जी मेरा दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि गीता की रचना वेद व्यास किए, रामायण की रचना तुलसीदास वाल्मीकि किए, और शिव पुराण की रचना कौन किए? व्यास जी, वेद व्यास जी ही 18 पुराणों के रचयिता हैं। शिव पुराण की भी वही है। तो शिव पुराण में कहा गया है कि शिव जी के कृपा से विष्णु की उत्पत्ति हुई और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और गीता में कहा गया, भागवत पुराण में, कि ब्रह्मा कृष्ण। हाँ हाँ, समझ गए। हम उत्तर दे दें, प्रश्न समझ गए आपका। जी मां, आपका कहना ये है कि इस पुराण में अलग लिखा है कि इनसे उत्पत्ति हुई, उस पुराण में अलग लिखा है उनसे उत्पत्ति हुई, तो किसको माने? सबको मानो, सब कल्प कल्प का भेद है। आप कितने भाई हैं? तीन भाई हैं जी। तो आप तीन भाई हैं तो घर में तीन स्त्रियां भी होंगी और आपकी माँ सहित चार होंगी, है ना? माता जी का स्वर्गवास हो। अच्छा, चलो पहले तो थी जी, जी पहले थी तो चार थी कि नहीं शुरुआत में जब आपकी शादी हुई? तो चार स्त्रियां जिस घर में होती हैं तो उस घर में क्या होता है? बोले आज भोजन तुम बना लो, आज चौका बर्तन तुम कर लो, कल हम कर लेंगे। आज उसने कर लिया, अब कल वो आराम करेगी, दूसरी वाली करेगी, फिर तीसरी वाली, कल हम कर लेंगे। आज बर्तन तुम धुल लो, कल हम धुल लेते हैं। आज चौका तुम कर लो, हम कल कर लेंगे। आज कपड़े तुम धुल लो। उसी तरह भगवान बोले, कभी सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, कभी सृष्टि शिव जी करने लग जाते हैं, कभी तुम कर लो काम, कभी तुम देवी भागवत पढ़ेंगे तो देवी जी कर रही हैं। तो कल्प कल्प, कभी आपने किया, कभी आपने किया, कभी आपने किया, कभी आप, तो है वही तत्व। अब वहां पर यह कल्प भेद है। आज श्वेत 12 कल्प चल रहा है, इसके पहले के कल्प में, अब जैसे रामचरितमानस आप पढ़ेंगे ना, तो चार रावण की बात लिखी है उसमें। रावण कितने हैं? एक रावण बने जय और विजय, एक रावण बने प्रताप भानु, एक रावण बने शंकर जी के गण जिन्हें नारद जी ने श्राप दिया, एक रावण बने जलंधर। तो चार रावण हैं। तो चार रावणों को मारने के लिए राम जी चार बार आए अलग अलग युग में। तो एक रावण को मारा, उनकी कथा थोड़ी सी अलग है, दूसरे को मारा थोड़ा सा चरित्र अलग हो गया, तीसरे को मारा थोड़ी सी बात। हम आपसे ही चार बार मिलेंगे ना, तो चार बार मिलेंगे तो चार बातें होंगी आपसे। तो भगवान ने एक ही कार्य को कई बार किया, वो लीला कई बार करते हैं, कभी इस रूप में करते हैं, कभी उस रूप में करते हैं। तो कल्प कल्प की भेद बातें हैं, सब सही है। शिव जी अलग नहीं है, भगवान नारायण का ही एक अंश शिव है, भगवान नारायण का ही एक अंश शक्ति है ना, कोई अलग तत्व नहीं है। हरि हरि ओर न भेदः, हरि हरि ओर न भेदः। ओम में तो तीनों समाये हुए। हाँ जी। दूसरा प्रश्न मेरा सांसारिक है गुरु जी। हाँ? कि जैसे हम पोथी पाठ कराए हैं। हाँ? तो पितृ का जो है, पितृ पक्ष में तर्पण करना क्या आवश्यक है? वैसे तर्पण सदा कर सकते हैं, पिंडदान कर आए हैं तो अच्छा है, नहीं किए तो कर लो। मैं पिंडदान तो किए हैं। हाँ, तो फिर तर्पण जल हमेशा देते रहो। जी, वो तो प्रतिदिन देना चाहिए, लेकिन वैसा हम लोगों से कोई बात नहीं, इसलिए 15 दिन दो पितृपक्ष में। जी, धन्यवाद।